आरबीआई से आरबीआई का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है सेबीज नोटिफिकेशन इज डी लेटो कम आउट एनी टाइम आई एफ एस सी ए नोटिफिकेशन इज ऑलरेडी आउट एन देशन कैन हैदर वी शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर दीज थ्री एग्जाम्स टूगेदर इफ यस हाउ और

It is a new organization, new authority, which was established very recently. And as a part of the plan of the government to expand international financial services, especially of making Gujarat into an international financial city, there are plans of expanding IFSCA as well, which is an authority similar to RBI, SEBI, IRDAI, and PFRD. So, what exactly is possible when it comes to these three organizations' examinations? कैन यू प्रिपेयर फॉर दीसरी एग्जाम्स एग्जाम्स टुगेदर इफ यस कैसे करेंगे नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए वो अभी क्लियर हो जाएगा लेट्स डू आर एनालिस सबसे पहले आई वुड बी ड्रॉइंग सो लेट्स अज्यूम दैट दिस इज दिलेबस ऑफ आर बी आई आपको आरबीआई की तैयारी करने के लिए यू हैव टू कवर एवरीथिंग इन साइड दिस सर्कल अगर हम सेबी का डायग्राम ड्रॉ करें लेट्स सेबी इज समथिंग लाइक दिस Some subjects are overlapping with RBI syllabus, but there are a lot of important subjects which are not overlapping with RBI syllabus. So this is the second circle that we have. Then we have the third circle, which is of IFSCA, which is drawn this Now this is IFSCA. Here confusion because there are a lot of things which are overlapping with RBI as well as with SEBI.

Not overlapping subjects. पहले वो सब्जेक्ट उठाते हैं विच आर नॉट ओवरलैपिंग हमको अलग से कितना पढ़ना है इफ वी कंसिडर ओनली आरबीआई दो एग्जाम पकड़ते हैं आरबीआई और सेबी देन वट आर दब्जेक्ट विच आर नॉट ओवरलैपिंग जो कि हमें सेबी के लिए अलग से पढ़ने पड़ते हैं देर इज अकाउंट राइट देर इज कंपनी हूं मैं इट्स नॉट कंप्यूटर्स इट्स कंपनीज एक्ट थर्ड इज इकोनॉमिक्स यू हैव टू रीड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स टॉस से बी स्पेशली मैक्रो इकोनॉमिक्स बट इकोनॉमिक्स इन सच ऑफ सच अ काइंड इज नॉट कवर्ड इन आरबीए आरबीए में इंडियन इकोनॉमी में ज्यादा फोकस होता है माइक्रो इकोनॉमी थोड़ा सा कम फोकस तरीके से पड़ी जाती है

Other than ESI, everything that you read for RBI is as relevant for SEBI as it is for RBI. Additionally, you have to read these four subjects for SEBI. Let's now come to IFSCA. I want to first talk about the subjects that you have to read specifically for IFSCA. And then we will talk about one second. Yes. And after that, we will talk about the subjects which are common.

पेंशन फंड इज स्पेसिफिक टू आई एफ एफ सी एन वी हैव बुलियन बेसिकली डीलिंग विद गोल्ड एंड लास्टली वी हैव गिफ्ट सिटी विच इज नॉट गुड बी वेरी लेंग्थी बिकॉज एनी वेज इट्स नॉट अ वेरी ओल्ड फाइनेंशियल सर्विस सेंटर तो बहुत ज्यादा कुछ कवर करने के लिए उसमें होगा बेटे सो दीज आर द टॉपिक्स नॉट दीज आर नॉट सब्जेक्ट रिमेंबर दीज आर द टॉपिक स्पेसिफिक टॉपिक्स जो हमें आई के लिए अलग से पढ़ने हैं सो वट इज द कंक्लूजन नाउ अब अगर हम फिर से देखें आई में ये आप अलग से पढ़ रहे हो अदर देन दैट वट एवर यूर रीडिंग हेयर लेट मी मार्क इट विद अनदर कलर वट एवर यून टू रीड हेयर क्यू आर इज रेलिवेंट फॉर आई एफ एस सी एके तो आप जो भी पढ़ोगे आई एफ एस सी ए में अदर देन दैट

you will get to know that if you are preparing for ifsca which is the closest exam then automatically you are prepared for rbi all the topics are covered in your preparation of ifsca you are prepared with majority of your sebi preparation as well because other than companies act and economics everything that you read will be relevant for ifsc as well and along with that you have to cover these separate topics as well so the conclusion that we can draw here is if you target RBI seriously, if you want to target SEBI seriously, then it makes sense. self-study It makes sense to prepare for IFSCA. Q because IFSCA is a target in sight, it will automatically give you a stronger push to keep preparing, to push yourself to study more and more, to revise better and faster.

तो ये मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूं वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द सिलेबस एंड डायरेक्टली बाय कवरिंग द सिलेबस बाय अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस वी कैन कम टू दिस कंक्लूजन दैट यू शुड बी राइटिंग दीज थ्री एग्जाम्स टूगेदर बहुत आराम से तैयारी कर सकते हो तीनों की साथ में वॉट यू हैव टू डू इज जस्ट फोकस ऑन आई एफ एस सी ए फॉर नाउ ऑटोमेटिकली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीएन डन शिफ्ट योर फोकस टू आरबीआई से बी डिपेंडिंग अपॉन वॉट एवर नोटिफिकेशन कम्स ठीक है ना When you have a target in sight, when you have an enemy in sight, when you have uh, a, a, a purpose in sight, then it becomes easier to cover it, easier to prepare for it because you can see the If you are pre preparing for an examination for which you don't know when the notification will come, it's already got delayed, you don't know how postponed it will be, uh, how much time will you get after the notification comes, you don't have all that information.

सो दिस वॉज ऑल अबाउट दीज थ्री एग्जामिनेशन आर बी एस सै बी एंड आई एफ एस सी एल दो स्टूडेंट्स वोल्ड इन माई आर बी आई ऑर सेड टू टेक आई एफ एस सी ए कोर्स बहुत ज्यादा अलग नहीं है जो भी चीजें अलग हैं आप खुद से भी पढ़ सकते हो आई थिंक इतना आप इंटरनेट पर रिसर्च करके पढ़ सकते हो आई डोट थिंक मेरी जरूरत है वहां पर बिकॉज मेजोरिटी ऑफ दीज थिंग्स ऑलरेडी कवर्ड इन द कोर्स इफ यू आर अ स्टूडेंट हुआ प्रिपेयरिंग फॉर आर बी आई और सेबी राइट नाउ I would recommend that you take go for IFSCA course, Kafir RBI course, Kafir SEBI course, so that automatically you are prepared for these exams as well. Okay? If you have any doubts about the preparation, if you want me to talk about some other topic related to RBI, SEBI or IFSCA, you can put it in the comment section below. I will try and make a video on the same as soon as possible. If you want to say anything, if you want to ask anything, if you have any doubts, any confusion, you can put it down in the comment section below i'll reply to it as soon as possible i'll see you again guys uh, all the best keep preparing bye bye jai